नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे जो कि आपके पीटी का मॉडल पेपर सॉल्व करा जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी लाजवाब होगी। और जो भी आपका यहाँ पर बचा कुचा हुआ है, अर्थात जो बाकी रह गया है पढ़ने के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और बेहतर रिविजन भी आप लोग करते रहिए। चलिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? रेडी? चलिए, आज का एक टारगेट रखते हैं आप लोगों के लिए। टारगेट यहाँ पर रखते हैं कि आप लोगों को 60 नंबर यहाँ पर लेकर दिखाना है। कितने नंबर? 60 नंबर आज लेकर दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चलिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दोस्तों याद रखिए, विराट नगर। क्या हो जाएगा? विराट नगर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आप कंसर्ट में से क्या हो जाएगा। कह रहा है सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए टू को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर देखिए महेंद्र और संघमित्रा को, है ना? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था आपके श्रीलंका में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शतमान निम्नलिखित में से किस धातु का बना सिक्का था? देखो दिया गया है शतमान किस धातु का बना सिक्का था, यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये मौर्योत्तर काल में, किसमें? मौर्योत्तर काल में ये शतमान जो है ये चांदी से निर्मित सिक्का हुआ करता था, ये आपके चांदी से, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये मौर्योत्तर काल में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? बताइएगा कि वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 को ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और काफी जवाब दे रहे हैं सी नंबर, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा काली मिर्च। क्या हो जाएगा? काली मिर्च इसका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है योग दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक इनमें से कौन है, यहाँ पर आंसर देना है आपका, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर राइट आंसर जो आपका दिया गया है यहाँ पर आंसर देखिए 5 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा पतंजलि थे, कौन है? पतंजलि जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब दीजिए, कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर बुद्धू भगत। क्या है? बुद्धू भगत ने किया था, जो कि छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, 7 का ऑप्शन देना है, 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर 1853 में। क्या हो जाएगा? 1853 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1853 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? बताइएगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे, यहाँ पर आंसर देना है आपका, जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 8 नंबर में जवाब दीजिए भाई, 8 का जवाब देखिए आपका जवाब बनेगा डी नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या बनेगा? याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहाँ पर शुरू किया था, जो कि आपकी 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना कलकत्ता में किया था, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? इनमें से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं इनमें से कौन रहे हैं, ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन देना है आपका, जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 9 का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब है यहाँ पर सी नंबर है एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ये बताइए सुचेता कृपलानी भी रही है क्या? बताइए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर ये बताइएगा कि सुचेता कृपलानी भी आपके रही हैं क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष? चलिए बताइए। अच्छा ये बताइए जो कानपुर में थी वो आपकी कौन थी? कानपुर में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 में, तो उसमें से आपकी कौन थी? चलिए बताइए सरोजिनी नायडू थे, वेरी गुड, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना? और ये आपका जो दिया है इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
यहाँ पर बताना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यह आंसर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 10 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर 7 अगस्त 1905। क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर दिया है नागोया, नागोया में जहाज निर्माण होता है, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, आनंद आपके उद्योग के लिए जाना जाता है, वाशिंगटन लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखो, वाशिंगटन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और यह लॉ इस्पात से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना। अदर आपके जितने भी ऑप्शन है आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्थानांतरणशील जैसे आपका चेना है, फैंग है, मिल्पा है, लेकिन फजेंडा नहीं है। फजेंडा क्या होते हैं? फजेंडा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ब्राजील में कावा के जो बाग होते हैं, ब्राजील में जो कावा के बाग हैं, इन्हें फजेंडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अदर जितने भी आपके हैं वो आपके कहीं ना कहीं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एक प्रकार से स्थानांतरित आपके हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? चलिए कह रहा आपसे, डांडी आपका दिया गया है, डांडी ये जूट उद्योग दिया गया है, जूट उद्योग दिया है। लेनिन ग्रांड आपका पोत निर्माण से जुड़ा है, हल्दिया मेट्रो रसायन से है, और पिट्सबर्ग आपका दिया है मोटर गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो पिट्सबर्ग आपका ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, क्या ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, जो आपका पिट्सबर्ग है ये मोटर गाड़ी के लिए नहीं है। अदर जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो आपके सभी सही हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है वो आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 14 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब जो कि ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपके ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एमपी में इसकी सबसे ज़्यादा मतलब पानी जो बहता है वो एमपी में ज़्यादा बहता है, इसलिए से नर्मदा मतलब एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो बहती है नर्मदा नदी, ये दो पर्वतों के बीच बहती है, वो दो पर्वत का नाम बताइए, बताइए भाई, जैसे सतपुड़ा है और अरावली है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ये मत्स्य क्षेत्र है ग्रांड बैंक, यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आप कसी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, 16 का ऑप्शन देना है। चलिए 16 की अगर बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1992 में, ठीक है 1992 में यहाँ पर किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भूदान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करिए, यहाँ पर सत्य कथन में से कौन सा है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, शायद कूट आपसे दिए गए हैं और कूट में दिए गए हैं तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है इस आंदोलन का प्रारंभ 1951 में विनोबा भावे द्वारा किया गया था, जो सही दिया गया है। इसका तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से हुआ था, यह गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। मतलब ये तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ऑप्शन यहाँ पर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपके सही हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य दिया गया है, इनमें से कौन सत्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है ट्राइसेम योजना, ट्राइसेम योजना ये आपकी है आपकी 1979, पहला ऑप्शन राइट आपका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो आंसर है पहला ही सही हो जाएगा, और देखा जाए तो ट्राइसेम योजना एक राष्ट्रीय योजना थी, राष्ट्रीय योजना थी, ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है, उन्हें इसका ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसानों को आवास ऋण देना भूमि सुधार कार्यक्रम में, देखो सहकारी कृषि है, चकबंदी है, जमींदारी उन्मूलन है, लेकिन किसानों को आवास ऋण इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया पोर्टल इनमें से कौन सा है, कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया इनमें से पोर्टल कौन सा नहीं है, 20 नंबर में। चलिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा, ई नाम, ई लाला, ई बिक्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए 20 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ई नाम है, क्या है,
ई नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ई नाम प्रारंभ किया गया 2016 में दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफार्म ई नाम प्रारंभ किया गया था 2016 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइएगा मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, चलिए मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर 22 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, चलिए 7 थे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 7 थे। याद रखिए मूल संविधान में दिया है ना, मूल संविधान में, तो इसका मतलब प्रारंभ में जो आपके मूल अधिकार थे है ना, वो आपके कितने थे भाई, 7 थे, याद रखिए 7 थे, 12 से लेके 35 के बीच में 7 थे। बाद में क्या हुआ कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया था, तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा डी नंबर, राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यहां पर जवाब देना है। चलिए भाई यहां पर 23 का जवाब दीजिए, यहां पर देखिए जो आपका जवाब है नंबर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ऑप्शन बनेगा यहां पर, कौन सा है नंबर, राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या हुआ भाई ऊपर वाले में कुछ गलत हमने बता दिया क्या, ये तो दिया है मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे, ये तो पूछा था यार, नहीं शब्द कहाँ दिया भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो 73 का ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यहाँ पर 24 का ऑप्शन देना है, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो कि सही बात है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, यह भी सही दिया गया है, प्राकृतिक वातावरण और संरक्षण पर सुधार करना, यह भी आपका है, कर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया है यह मौलिक कर्तव्यों में आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरकार कर रही है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है, चलिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है 25 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, क्या बन जाएगा सी नंबर यहाँ पर बनेगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है, चलिए रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग उपयोग किया जाता है, यहाँ पर 26 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए रंगीन टीवी में भाई हमने बताया था तीन कलर होते हैं, कितने, तीन कलर ही प्रयोग किए जाते हैं, और ये तीन कलर कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, लाल हरा और नीला है ना, ये तीन होते हैं और तीन कलरों से ही आपके सात रंग बन जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विद्युत फ्यूज निर्मित होता है, विद्युत फ्यूज निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, यहाँ पर 27 को ऑप्शन दीजिएगा, तो देखो विद्युत फ्यूज टीन से, टीन मतलब यहाँ पर टीन होता है लगभग 63% और शीशा होता है 37%, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा टीन और शीशा से ही बनता है आपका विद्युत फ्यूज, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करता है, चले जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करता है, यहाँ पर 28 को ऑप्शन देना है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता क्या होती है दूर हो जाती है, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एपिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एपिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चले 29 नंबर में एपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन होता है ना, मधुमक्खी पालन होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वृक में बनने वाली पथरी बनी होती है, चलिए बताइएगा कि जो किडनी होती है इसमें बनने वाली जो पथरी होती है ना किसकी बनी होती है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब बन जाएगा यहाँ पर नंबर है कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा निद्रा का विलोम होता है, सॉरी निंदा का विलोम पूछा गया है, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम पूछा गया, निंदा का विलोम भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में, ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो भाई लाइक सर सभी लोग करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो भूल गए थे है ना, तो भूल गए तो भाई अब लाइक कर दीजिए, हम आपको याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग साथ में मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर क्लास में जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन को।
चलिए देखिए, यहां पर दिया गया है कि निंदा का विलोम होता है, निंदा का विलोम होता है क्या? स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा। आप समझेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है विरोध कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, उसका चेंज हो सकता है ना, बेटा का चेंज हो सकता है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है प्रत्येक निम्नलिखित में से किस संधि का विच्छेद है, यहां पर 35 को ऑप्शन दीजिएगा कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका है या सी नंबर यण संधि, क्या हो जाएगा, यण संधि यहां पर आंसर है, आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के शब्दों के लिए जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए, प्रत्येक शब्दों में क्या दिया है कि प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न के दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है भारी वर्षा, बूंदाबांदी, जाग दौड़ना, गोताखोरी तैरना, उछाल और आपकी चौकड़ी। बताइए भाई, 36 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या बन जाएगा, 36 नंबर में जो बनेगा इनमें से क्या बन सकता है। देखो यहां पर दिया गया है भारी वर्षा, है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका दिया गया है जिस प्रकार से चलने चलने के बाद क्रिया होती है उसी प्रकार बूंदाबांदी के बाद भारी वर्षा होती है। जागेंगे तो दौड़ेंगे, गोताखोरी करेंगे तैरेंगे, उछाल करेंगे चौकड़ी। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो दिए गए ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, पहले जागेगा तभी दौड़ेगा, गोताखोर होगा तभी तैरेगा, उछाल करेगा तो चौकड़ी करेगा। लेकिन यहाँ पर पहले भारी वर्षा हो गई फिर बूंदाबांदी हो रही है। पहले होता क्या है, पहले बूंदाबांदी होती है फिर भारी बारिश होती है, ठीक है ना, पहले बूंदाबांदी होती है फिर भारी बारिश होती है, इस कारण ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया है, यह प्रतिमा कहां पर स्थित की गई है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, 37 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 37 का जवाब ऑप्शन दिया गया है, यहां पर जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके हैदराबाद में, क्या हो जाएगा आपके हैदराबाद में है। और दोस्तों ये कितनी बड़ी है, तो आपकी 216, कितना 216 फीट आपकी है, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि हाल ही में 94वां ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनमें से कौन है। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहां पर बताइए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो ये है आपके विल स्मिथ, ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा, विल स्मिथ हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि हाल ही में किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला पूर्ण रूप से प्राइवेट दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचाया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, कह रहा है हाल ही में किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने पहला पूर्ण रूप से प्राइवेट दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचाया है। देखिए 39 नंबर में, तो 39 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर 39 का जो ऑप्शन है यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स। यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, ये जो स्पेस एक्स है ना, ये एलन मस्क की जो कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन है कि विजडन के वर्ष 2022 के 159वें संस्करण में वर्ष 2021 के लिए पुरुष वर्ग में लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। बताइएगा कि विजडन के वर्ष 2022 के 159वें संस्करण में 2021 के लिए पुरुष वर्ग में लीडिंग क्रिकेट ऑफ ईयर किसे चुना गया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर जो रूट है दोस्तों, क्या है, जो रूट इसका ऑप्शन है, बी नंबर है, जो रूट इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस नदी पर प्रस्तावित है, या किस नदी पर प्रस्तावित है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके चिनाव नदी पर है, कहां पर है, चिनाव नदी पर है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा, चिनाव नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि हाल ही में भारत व अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर संपन्न हुई है। चले हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो हुई है ये कहां पर संपन्न हुई है। 42 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 2+2 वार्ता है आपके कहां पर, वाशिंगटन में हुई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर 43 से घटकर 2030 तक कितना रह जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब देखा जाए तो भाई 43 से घटकर 2030 तक में कितनी रह जाएगी,
चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ाया है ना, देखिए ऑप्शन हो आपका सी नंबर 22 रह जाएगी, ठीक है 22 रह जाएगी ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था 2026 तक कितना रह जाएगी, 2026 तक 32 आ जाएगी, ठीक है 2026 तक लक्ष्य है 32 लाना, और 2030 तक लाना कितना है तो 22 लाना है, ये लक्ष्य रखा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अप्रैल 2022 में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य में से कौन हो गया है, अप्रैल 2022 में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य जिनमें से कौन बन गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 को ऑप्शन दीजिए सभी लोग। चलिए 44 को आप समझेगा सी नंबर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपके ने मतलब जो प्रवासी श्रमिक होते हैं आते रहते हैं और चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए उनको ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। अगला दिया गया है कि हाल ही में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार गिरने के पश्चात कौन नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर शहबाज शरीफ बन गए हैं, कौन है शहबाज शरीफ, यहाँ पर आंसर है आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, नाम सुना होगा आपने, ठीक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष, मतलब कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आपने सुना होगा, उन्हीं के भाई हैं, ठीक है उन्हीं के भाई हैं भाई शहबाज शरीफ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में जारी वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, अर्थात कुल वन पूछा है और वृक्ष भी पूछा गया है, दोनों चीज एक साथ पूछी गई है, अब दोनों को जोड़कर आपको बताइए क्या हो जाएगा, तो 24.62 कितना है, 24.62 है यहाँ पर आंसर बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्डन में क्वेश्चन पूछा भी गया था, आप समझेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एवं चीन की सीमा को जाना जाता है, भारत एवं चीन की सीमा को जाना जाता है किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जवाब देना है 47 नंबर में। देखिए 47 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, क्या हो जाएगा मैकमोहन रेखा ऑप्शन बने आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कोनाक्रे है, क्या है कोनाक्रे है, यहाँ पर 48 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 48 का ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए 48 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा आपका गिनी की है, कहाँ की है गिनी की है, गिनी की है याद रखिएगा। घाना की अगर पूछे तो बताएंगे क्या, घाना की बताइए क्या हो जाएगा, हम डेली बताते हैं घाना, घाना के है अकरा है, क्या अकरा कह सकते हैं अकरा, क्या कह सकते हैं अकरा हो जाएगी, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी आप लोग जानते हैं, और मिस्र की राजधानी काहिरा आप लोग जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है, चलिए बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है, 49 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए 32 वर्ग किलोमीटर है, कितना 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र इनमें से कौन सा है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र इनमें से कौन सा है, देखिए आपका जवाब इनमें से बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है आपका बाहरी दिल्ली, क्या है जो बाहरी दिल्ली है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा बाहरी दिल्ली, इसमें यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र, सबसे कम मतदाता क्षेत्र वाला अगर पूछ ले तो आपको बताना है लक्षद्वीप, ठीक है लक्षद्वीप में सबसे कम मतदाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 51 को ऑप्शन देना है, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 16 अक्टूबर को, कितने को 16 अक्टूबर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, 16 अक्टूबर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे 6 अक्टूबर को क्या होता है तो क्या बताएंगे, अगर पूछे 6 अक्टूबर को तो बताना है विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस, क्या विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस मनाते हैं 6 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, और वहीं पर अगर पूछे 21 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिएगा, ये कहां पर है तो आपकी जिनेवा में है, कहां पर है जिनेवा में है, आप समझेगा ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा, जिनेवा में है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 की इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है चार मीनार स्थित है, चार मीनार स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है चार मीनार, हैदराबाद में, कहां पर है हैदराबाद है, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था, किसने कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ऑप्शन आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, 54 का ऑप्शन दीजिएगा भाई,
चलिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध है आपके क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से है। आप समझेगा यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। और भी आपकी ट्रॉफी होती है, जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, ये इन्हीं से जुड़ी हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक इनमें कौन है, नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका, जीत थाइल। क्या है? जीत थाइल है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी इनमें से क्या होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर देखिए हमने करंट अफेयर कुछ ज्यादा लिया है, ठीक है ना, क्योंकि आराम से नहीं काम चलाना है, जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ करंट अफेयर और भी आपको यहाँ पर मॉडल पेपर में पढ़ना भी है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर इनमें से कौन बना है, बताइएगा कि दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर इनमें से कौन सा बना है, इस सूचकांक के अंतर्गत ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका वियना है ऑस्ट्रिया, है ना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांगला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो ऑप्शन भी आपका रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने, यहाँ पर याद रखिएगा कि पुनर्निर्मित रेजांगला स्मारक आपका है जो कि राष्ट्र को दिया है, समर्पित किया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। चलिए यहां पर बताइएगा कि अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपका कतर। क्या हो जाएगा? कतर, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दिया है। देखिए यहाँ पर फोर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका पटियाला में। कहाँ पर आपके? पटियाला में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा किया है। तो भैया आप ही बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में है तो वित्तीय पैकेज की घोषणा कौन करेगा? आपका ऑस्ट्रेलिया ही करेगा, ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ है। चलिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ है, सिक्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों सिक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर है, जम्मू कश्मीर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टॉम ऑफ सैंड डेजी राकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित एक हिंदी उपन्यास है, इस उपन्यास की रचनाकार पूछा गया है। दोस्तों सेवन का ऑप्शन सी आपका गीतांजलि श्री। क्या है? गीतांजलि श्री है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा कि टॉम्स ऑफ सैंड डेजी राकविल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई है एक हिंदू उपन्यास, इस उपन्यासकार की रचनाकार कौन है? गीतांजलि श्री हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन है आपके, ये है आपके ऑप्शन डी झांग मिंग है जो कि नए महासचिव नियुक्त हुए हैं आपके शंघाई सहयोग संगठन के, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया है। तो बताइएगा कि भारत का कौन सा गांव है जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपका पोचमपल्ली जो कि आपकी तेलंगाना है, पोचमपल्ली तेलंगाना, ऑप्शन ये बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका का कौन सा हरफन मौला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है क्रिस मॉरिस, ठीक है ना, क्रिस मॉरिस से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा, बहुत अच्छा बैटिंग करता है भाई, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। मिलन 2022 का जो आयोजन हुआ है ना, ये कहाँ पर हुआ है, इसको ऑप्शन देना है। इसका जो आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है आपके विशाखापट्टनम में, कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम, इसका ऑप्शन है ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राफेल नडाल, क्या हो जाएगा? राफेल नडाल, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति 2022-23 की घोषणा की है, जिसमें रेपो दर कितना प्रतिशत नियत रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रेपो दर जो आपकी रहना है यहाँ पर डी नंबर 4.40, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस जीव को संवेदनशील जीव घोषित किया है।
यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर देना है और फोर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर उपयुक्त सभी, अर्थात जो आपका क्रैब है, यहाँ पर ऑक्टोपस है और आपका लॉबस्टर है, ये आपके क्या है संवेदनशील में रखा गया है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केरल सरकार जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। चलिए भाई जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, केरल सरकार द्वारा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। फाइव का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका शैली ऐप, क्या है भाई शैली ऐप है इसका जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर शैली ऐप इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश इस पर आपका रहा है, यहाँ पर बताना है जवाब क्या हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश इस पर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंगापुर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हो तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर सपोर्ट बराबर करते रहिए। अगला दिया गया है कि झारखंड में स्थित किस जिले के प्रत्येक गाँव में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि झारखंड में स्थित किस जिले के प्रत्येक गाँव में सामुदायिक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाया गया है, तो जवाब हो जाएगा आपका जामताड़ा, क्या है जामताड़ा है दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है कि जामताड़ा बना हर गांव में, मतलब हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया जो कि झारखंड का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन में आपका डी नंबर निकारागुआ है, निकारागुआ ये ताइवान के साथ अपने राजनीतिक जो संबंध थे इनको समाप्त कर दिया है, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस हाईकोर्ट में स्थापित की गई है, चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नाइन्थ ऑप्शन जल्दी से जवाब दीजिए, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर गुजरात हाई कोर्ट ने, किसने गुजरात हाई कोर्ट ने किया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखो दिया गया है कि 15 जनवरी 2022 को 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने किया है, चलिए बताइएगा कि 15 जनवरी 2022 को 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है, तो दोस्तों आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये पेरू ने किया था, ठीक है किसने, तो आपके पेरू ने किया था, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन में 1 मई को किया था ब्रिटेन ने किया था, लेकिन यहाँ पर 15 जनवरी 2022 दिया 90 दिन के लिए पेरू ने किया था, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है, बताइएगा कह रहा आपसे शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है, यहाँ पर 1 का ऑप्शन देना है, चलिए 1 का ऑप्शन देखिए आना शुरू हो गया और काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही है डी नंबर फतेहपुर सीकरी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे निम्नलिखित में से शिवाजी की पहली विजय इनमें से कौन थी, शिवाजी की पहली विजय इनमें से बताइएगा, पहली विजय जो आपकी थी वो आपकी किसकी विजय थी, 2 का ऑप्शन देना है और 2 का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, 2 का ऑप्शन यहाँ पर नंबर रायगढ़, चलिए और बताइए थोड़ा सा, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिंहगढ़ था, ठीक है इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सिंहगढ़ था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है ये आपके 1683 में, ठीक है सॉरी 1643 में, 1643 में दोस्तों याद रखिएगा शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ पर किला, सिंहगढ़ का जो किला था उसे जीता था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है, 3 का ऑप्शन देना है, तो देखिए यहाँ पर विष्णु भी हैं, इंद्र भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो कृष्ण दिए गए हैं वैदिक देवता आपके नहीं है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं जो कृष्ण भगवान है तो कृष्ण का वैदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य इनमें से कौन है, चलिए निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 देना है और 4 का ऑप्शन आपका यहां पर डी नंबर वल्लभाचार्य है, कौन है वल्लभाचार्य इसका जो ऑप्शन है यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर दिया है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, चलिए बताइए दिल्ली के सुल्तानों में, है ना, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, यहाँ पर 5 का ऑप्शन दीजिएगा और देखिए 5 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिए फारसी भाषा जिसका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है विभागीय प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था,
चलिए बताइएगा विभागीय प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। सिक्स का ऑप्शन दीजिएगा और सिक्स का ऑप्शन जाएगा यहाँ पर नंबर है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था। चलिए बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। बहुत बार हमने पढ़ाया भी है और देखा जाए तो आपका बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। चलिए आपका जवाब देखिए, आपका जवाब है चित्तू पांडे। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चित्तू पांडे, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो आपके अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने बलिया से नेतृत्व किया था, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर भी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए दोस्तों बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए आठ का जवाब दीजिएगा। देखिए आपका आठ का जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिए चर्चिल कौन थे भाई, यहाँ पर आपके चर्चिल थे। ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा गया था। अरे यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप तथा निकोबार द्वीप को, हाँ देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है नाइन नंबर में वो आपका हो जाएगा शहीद द्वीप। ठीक है, अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा गया तो आपका शहीद द्वीप, मतलब ये हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप का कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका नाम रखा गया, तो भाई सुभाष चंद्र बोस वाले को शहीद द्वीप कर दिया गया। यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था, यहाँ पर 10 का ऑप्शन देना है। चलिए 10 की अगर बात किया जाए तो आपसे बनेगा यहाँ पर भी नंबर है 1945 में कब चलाया गया था, लाल किले में 1945 वो भी नवंबर 1945 में चलाया गया था, ऑप्शन आएगा भी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ भाई जो लोग यहाँ पर अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग बाद में तैयारी करना शुरू किए हैं या जिनकी तैयारी अच्छी से नहीं है तो वो लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। फास्ट रिविजन के लिए आप लोग हमारे पीडीएफ से परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर ₹60 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं। सामान्य में जागरूकता जो कि आपके 10 नंबर की है यहाँ पर भी प्रोवाइड है, थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कंप्लीट हिंदी का भी आपका है मात्र ₹40 में है और करंट अफेयर 2022 की यहाँ पर देख सकते हैं ₹49 में है। तो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आंसर की भी होगा, जिससे क्या होगा कि आप चाहोगे तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में पूरे की पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। चलिए थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है, क्वेश्चन नंबर 11 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र में, कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र में से कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र में से कौन सा है, 12 नंबर में। 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देना है कि कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, यहाँ पर 13 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, यहाँ पर 14 का ऑप्शन देना है। 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूट, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खरीफ फसल का समय इनमें होता है, खरीफ फसल का समय होता है यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। क्या बन जाएगा, खरीफ फसल कब होती है, तो खासे खराब, खासे खरीफ, अर्थात जब बारिश वारिश का महीना होता है, अर्थात यहाँ पर जून से लगभग सितंबर तक आप कह सकते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर नवंबर हो जाएगा, जून से सितंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए पूरा योजना निम्नलिखित में से किसको द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए पूरा योजना यहाँ पर होने का, पूरा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, 16 का ऑप्शन देना है। देखिए 16 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2003 में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वारा पूरा योजना प्रस्तुत की गई थी, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर के लिए और शहरी सुविधाओं देने के लिए आपकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान अवस्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान अवस्थित है यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए
17 की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन में आपका सही नंबर लखनऊ क्या हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1952 में क्या की गई थी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब से देश में प्रभावी हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब से देश भर में प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देना है, 18 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 18 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर है 2013, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। 2013 5 जुलाई 2013 से ये आपका प्रभावी हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है, ये बताइएगा किस स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देना है और 19 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 19 को ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया मासिक स्तर पर, साप्ताहिक स्तर पर, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा मासिक स्तर पर, क्या हो जाएगा मासिक स्तर पर होता है। और वर्तमान जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 लिया जाता है, 2011-12 लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा, देखिए 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा आपका ऋणी, क्या होता है मुद्रा स्फीति में सर्वाधिक लाभ जो होता है वो आपके ऋणी को होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और देखो ऐसे क्या होता है कि कीमतों में होने वाली वृद्धि अर्थात महंगाई को ही मुद्रा स्फीति कहा जाता है, जब कीमतें बढ़ने लगती हैं है ना, महंगाई होने लगती है, इसी महंगाई को मुद्रा स्फीति कहा जाता है, पैसे की वैल्यू जो होती है वो घटने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादलों का फैसला कौन करता है, देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादलों का फैसला कौन करता है, यहाँ पर जवाब देना है, आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है, चलिए 21 को ऑप्शन दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका, यहाँ पर कौन सा बनेगा, संसद हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, कॉलेजियम हो जाएगा या मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर देखो ये इसमें क्या होता है, ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन देखिए आपका जवाब बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा आपका, कॉलेजियम, क्या होता है कॉलेजियम होता है, मतलब इसमें क्या होता है 4-5 लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं है ना, इसके बाद निर्णय लिया जाता है तो इसे कहेंगे कॉलेजियम, ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, यहां पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। चलिए 22 क्वेश्चन में से क्या हो जाएगा, चलिए 22 को ऑप्शन दीजिए, इसमें से क्या बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, 22 को ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर देखिए राज्य सूची में कृषि होता है, जेल होता है, सिंचाई होता है, लेकिन बैंकिंग नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सरकारिया आयोग का संबंध किसे है, सरकारिया आयोग का संबंध इनमें से किसे है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए आपका 23 को ऑप्शन में से क्या है, 23 को ऑप्शन देना है। देखिए 23 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर केंद्र राज्य संबंध, इसका आंसर राइट हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसका जो गठन किया गया था वो आपके 1983 को, कितने में, 1983 में किया गया था। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भूमि संबंधित विवाद प्रस्तुत होता है, भूमि संबंधित विवाद प्रस्तुत होता है, 24 को ऑप्शन देना है, 24 को ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 24 को ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा आपका राजस्व न्यायालय, क्या हो जाएगा राजस्व न्यायालय, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 25 नंबर में, यहां पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। हमने कई बार आपको बताया भी है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में जो भार होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देना है, आपका सही जवाब क्या बनेगा।
चलिए 26 को ऑप्शन देखिए, सी हो जाएगा शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा अगर ऐसी स्थिति में लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका भार शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हृदय गति की जांच किस यंत्र से की जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। काफी लोग जुड़े हैं और आप लोग शायद भूल भी गए होंगे, है ना, तो एक बार याद भी दिला देते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोग क्लास में जैसे जुड़ते हैं एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सब लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं बाद में या पहले जुड़े हैं, ठीक है, चलिए सब लोग लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है हृदय गति की जांच किस यंत्र से की जाती है। 27 को ऑप्शन देना है, 27 को ऑप्शन यह हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। एलपीजी का मुख्य घटक पूछा गया है तो यहाँ पर 28 को ऑप्शन क्या बनेगा, एलपीजी में क्या होता है भाई, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं, क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन यहां पर देखिए, काफी लोग ए दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग जो नकलची हैं वो लोग सोच रहे हैं हाईलाइट है तो आंसर मेथेन लगा देते हैं। ये बताइएगा कि क्या मेथेन होता है, क्या यहां पर होता है ब्यूटेन होता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए ब्यूटेन होता है, इसका ऑप्शन सी बनेगा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना, नकल मत करिएगा, नकल से काम नहीं चलेगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने के लिए प्रमुख चिकित्सा उपकरण में से क्या होता है। मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने हेतु प्रमुख चिकित्सा उपकरण में से कौन सा है। 30 नंबर में देखिए आपका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रो, देखिए कौन सा आपका है, इलेक्ट्रो इंसफेलाग्राफ। यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए देखिए यहाँ पर फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी जो आपकी है वो आपकी दाद है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे मस्तिष्क वाले में यहाँ पर देखो डी बता दिया था और 31 आपसे दिया गया है असुर का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर देखिए महाकाय, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर महाकाय उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए 32 नंबर में। चलिए 32 को ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा 32 नंबर में, 32 नंबर में देखिए तो यहां पर कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, राग का होता है विराग होता है ना। यहां पर बेस्ट का समष्टि दिया गया है, बच्चा का जवाब दिया गया है और उत्तम का अधम दिया गया है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बच्चा का बूढ़ा होता है, क्या होता है, बच्चा का बूढ़ा होता है, देखिए ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न वाक्य में से रिक्त स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है, यहाँ पर 33 को ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है गिलास तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, ये तो होगा ना, देखो हमने बोला गिलास किसने तोड़ा क्योंकि ये प्रश्नवाचक लगा हुआ है और प्रश्नवाचक है तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिएगा, 34 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए 34 को ऑप्शन दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने, वह किसे जाने, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा है, यहाँ पर ये नंबर है इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अवधि बोली का अन्य नाम इनमें से क्या है, अवधि बोली का अन्य नाम इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 35 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवधि हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है या बोली है ना, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर कोसल अर्थात पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, कोसली जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोसली हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उस शब्द को चुने जो समूह से भिन्न हो, उस शब्द को चुने जो समूह में से क्या है भिन्न हो, यहाँ पर 36 को ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर दिया घोड़ा बाघ शेर और चीता, इनमें से आंसर क्या बनेगा, तो देखिए घोड़ा बाघ शेर चीता में देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, घोड़ा है ना, यहाँ पर घोड़ा जो आपका ये पालतू पशु है, अदर जो आपके हैं भाई पालतू तो होंगे नहीं, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 में 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जनदर पर 47 से घटाकर 2030 तक कितना रखे जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था, है ना, यही क्वेश्चन आपको लगभग इसी प्रकार का देखने को मिला था। देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, आप समझो आपका 25 हो जाएगा, कितना 47 से घटाकर 25 करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन यहां पर भी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर 2030 तक कितना दिया गया है, ठीक है ना, 2026 तक अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे, 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 35, कितना 35, और 2030 तक रखा गया है 25 रखा गया है, अभी जो चल रहा है वो आपका 47 चला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि अप्रैल 2022 में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए, अप्रैल 2022 में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर बी हो जाएगा आपका, इसका नाम है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना का सफल परीक्षण किया था 10 अप्रैल 2022 को, कहां से? पोखरण से किया था। कहां से? पोखरण से किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में 94वां नंबर का ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जेन कैंपसन को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ये कौन सी फिल्म है इनकी? द पावर ऑफ डॉग, है ना, द पावर ऑफ डॉग के लिए यहां पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। एक बार नहीं, कई बार आपको पढ़ाया भी गया है, संभावना है कि हो सकता है क्वेश्चन आपसे मिल भी सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में संपन्न ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है। चलिए, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है 40 नंबर में। चलिए 40 को ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिए ये 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच आपका हुआ था, है ना, और इसमें से ये 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 71 रनों से हरा कर ये महिला विश्व कप जीता है। ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान पार्कर सोरल प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा, फलस्वरूप ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला या पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। दोस्तों इस अंतरिक्ष यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब और ये सूर्य के सबसे पास से होकर गुजरा है। दोस्तों ऐसा उपलब्धि दोस्तों पहली बार हुआ है, जो हासिल किया है वो आपके अमेरिका ने यहाँ पर हासिल किया है। ये 28 अप्रैल 2022 को यहाँ पर हुआ था। आप समझेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है January 2022 में इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय किस ज्योति में कर दिया गया है। चलिए जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय किस ज्योति में कर दिया गया है, यहां पर आंसर दीजिएगा। आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, 42 का ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, क्यों भाई? इस क्लास में अमेरिका से न्यूजीलैंड से जुड़े हैं क्या लोग? सबके जवाब भाई अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कोई अमेरिका से जुड़ा है, कोई न्यूजीलैंड से, कोई रूस से, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से। चलिए, इतना हाईलाइट चीज आपको नहीं मालूम है, जबकि आपको मालूम है कि न्यूज आप देख रहे होंगे, सारा दिन देखे होंगे, विद्रोह भी किए थे, कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था और आप लोग न्यूज दे रहे थे और आप कह रहे थे मोदी जी बेकार है, मोदी जी बेकार है, फिर भी आज जवाब गलत आ रहे हैं सब लोगों के, ऐसा क्या होता है भाई? देखिए 42 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। क्या हो जाएगा? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सुआ झील सूखने के कारण चर्चा में रही यह झील कहाँ पर है, यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा, मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सुआ झील सूखने के कारण चर्चा में रही या झील जो है वो आपके कहां पर है। दोस्तों जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये झील है आपके इराक में है, कहां पर है? आपके इराक में है। दोस्तों याद रखिएगा यह इराक में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि March 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जल शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बताइएगा आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखें आपका जो 44 का ऑप्शन है इनमें से आंसर क्या बनेगा, यहां पर देखिए ऑप्शन डी आपका मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर इसका जो ऑप्शन है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर जल शक्ति पुरस्कार दिया गया था 2020, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मार्च 2022 में जारी संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत की स्थान बताना है, अर्थात अरबपतियों के हिसाब से देखा जाए भारत में जो स्थान है ना वो कितना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, तृतीय स्थान आपका भारत का आता है जो कि अरबपतियों के मामले में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है भाई? सबसे ज़्यादा अमेरिका में है आपके 748 लोग जो आपके अरबपति हैं। इसके बाद चीन का स्थान आता है, चीन में लगभग आपके 554 आपके अरबपति हैं। वहीं पर भारत में है 145 अरब आपके हैं, ठीक है। कितने? 145 अरबपति हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्लास में भी कह रहे हैं मैं भी अरबपति हूँ, मैं भी अरबपति हूँ, वेरी गुड। हौसला होना चाहिए, हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हौसला रखेंगे तो अरबपति क्या है, सब पति बनेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो
कोऑपरेटिव। चलिए देखो, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? आप लोग भी हंसा देते हो हमें। चलिए बताइएगा, कह रहा है हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? 46 का ऑप्शन देना है। चलिए 46 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखें, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखो हमने आपको बताया है कुछ आए पीटी में चाइना आए, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जितने भी आपके राज्य हैं सेवन सिस्टर वाले, और जैसे कि आपका मणिपुर वो आपका हो गया, म्यांमार हो गया, आपके यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है ना, देखिए 47 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर पाँच हो जाएगा, कितना पाँच हो जाएगा। अब ये पाँच राज्यों में देखिए, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये आपके हैं, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको किस देश की राजधानी है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ये है आपके माली की दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा यहाँ पर बमाको जो आपके है माली की राजधानी है। वहीं पर अगर पूछे कांगो, क्या पूछे कांगो की राजधानी, तो आप बताएंगे ब्राजविले, क्या है ब्राजविले है। यहाँ पर देखो दिया गया बेनिन, बेनिन की राजधानी क्या है पोर्टोनोवो, क्या है पोर्टोनोवो है। वहीं पर अगर पूछे कि स्वाजीलैंड, तो स्वाजीलैंड की राजधानी है मबानवे, क्या है मबाम्बने है, सब क्या अजीब 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 नाम है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा गारो खासी और पनार तथा अंग्रेजी है? चलिए बताइएगा, गारो खासी पनार और अंग्रेजी है 49 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? तो 49 की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेघालय है दोस्तों, याद रखिए मेघालय इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? चलिए कह रहे नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर 47, क्या हो जाएगा 47 ऑप्शन बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर आंसर देना है, 51 नंबर का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, वहीं पर अगर आपसे पूछे 21 सितंबर को, तो क्या बताएंगे 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं, क्या विश्व शांति दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस मनाते हैं। और 14 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व मानक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है अरब लीग का मुख्यालय स्थित है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके काहिरा में है, कहां पर है आपके काहिरा में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, काहिरा में है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बेलूर मठ स्थित है, बेलूर मठ स्थित है, कहां पर स्थित है बेलूर मठ, ये कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, है ना, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। चलिए संतोष ट्रॉफी किससे है, देखो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन बनना है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है, द इंडिया स्टोरी के जो लेखक है इनमें से कौन हो जाएंगे, द इंडिया स्टोरी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर देखिए बिमल जौलान, आपने नाम सुना होगा, गवर्नर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं, ऑप्शन बने आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक इनमें से कौन सा है, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रदूषक कौन पहुंचाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसी के साथ ये क्लास भी कंप्लीट। और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर पीडीएफ को कैसे परचेज कर पाएंगे, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक के नाम से, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो प्ले स्टोर में जाइए वहाँ पर देव जी के ट्रिक सर्च करिए, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना, तो लिंक भी दी गई है, तो उसे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर की, या आपको जीके की चाहिए, या आपको हिंदी की चाहिए, सामान्य जागरूकता की चाहिए,
सबसे बेस्ट और सबसे कम प्राइस में उपलब्ध है आपकी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट कंटेंट आपका है और खास बात यह है कि क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर भी हो जाएगा। तो चाहोगे तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसका रिविजन भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी जो लोग बाद में तैयारी करना शुरू किए हैं किसी कारणवश से, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, टाइम नहीं मिलता है, वो लोग अपना ले सकते हैं, जिन्हें लेना है वो ले सकता है हमारे ऐप से जुड़कर, ठीक है। सबसे कम प्राइस में और बेस्ट कंटेंट आपका है। तो भाई अगली क्लास में आइए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करिए और अगली क्लास में जल्दी से आइए।